आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अनूपपुर जिले के अंतिम छोर रामनगर डोला में वर्षों से धड़ल्ले से संचालित हो रहा है अवैध ईंट भट्टा। ईंट बिल्डिंग निर्माण कार्य के लिए एक जरूरी संसाधन है, इसके बिना विकास की बात अधूरी है। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर बिना खनिज रॉयल्टी के दर्जनों ईंट भट्टे विगत कई सालों से निरंतर चल रहे हैं। खनिज विभाग इन अवैध ईंट भट्टों के स्वामियों से हर महीने की अवैध उगाही भी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई कार्यवाही इन ईंट भट्टों पर नहीं होती है। इन अवैध ईंट भट्टों से खनिज रॉयल्टी की चोरी होने से राजस्व विभाग को हर महीने लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इन ईंट की गुणवत्ता पर नजर दौड़ाई जाए तो यह घटिया क्वालिटी के मानकों के विपरीत है। इन ईंटों से बनने वाला घर की क्वालिटी बहुत ही घटिया स्तर की होती है। लेकिन अनूपपुर जिले में इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। फलस्वरूप सरकारी संसाधनों और प्राइवेट व्यक्ति को घर इत्यादि बनाने के लिए इन ईंटों को मजबूरी में खरीदना ही पड़ता है। अनूपपुर जिलाधिकारी से निवेदन है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर कार्यवाही जरूर करें। अनूपपुर से बीबीसी लाइव के लिए अब्दुल सलाम कादरी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।